हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, हमारे पास एक गाड़ी आई थी, टाटा सिग्ना। जो गाड़ी में प्रॉब्लम थी, गाड़ी जो है 40-50 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा रही थी। और उसमें जो हमारे टेक्नीशियन थे, उन्होंने चेक किया कि गाड़ी जो है यूरिया बिल्कुल नहीं खा रही। और यूरिया में बहुत सारा, जो इसका टैंक होता है, यूरिया का टैंक होता है, उसमें बहुत सारा कचरा आया हुआ था। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हो। तो उसके बाद जो टेक्नीशियन है, उन्होंने इसका यूरिया डोज़र होता है उसको खोला, डोज़र को। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे जो टेक्नीशियन थे, उन्होंने यूरिया डोजर को खोला है और उसका जो टैंक वगैरह उसको साफ़ किया, अच्छा क्वालिटी का उसमें जो है यूरिया डाला। और इसकी नोज़ल भी उन्होंने साथ ही में खोली थी, यूरिया डोजर की। और जो टेक्नीशियन थे जो यूरिया डोजर को रिपेयर करते हैं, उनने इसको चेक किया, इसकी जो सेटिंग वगैरह थी, जो रिपेयर वगैरह था, वो किया सारा। तो इसको सेट करने के बाद, रिपेयर करने के बाद, चेक करने के बाद, हमारे टेक्नीशियन ने इसको गाड़ी में लगाया। तो आप देखिए, यहाँ पे रिपेयर होने के बाद, चेक होने के बाद, यूरिया डोजर को जो है गाड़ी पर लगाया और यूरिया वगैरह जो उसका साफ डाला इसमें, उसके बाद सेटिंग वगैरह की, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट किया। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो टेक्नीशियन है, उन्होंने गाड़ी पे इसको फिट किया अच्छे तरीके से और गाड़ी को स्टार्ट किया। तो स्टार्ट होने के बाद गाड़ी जो है साउंड वगैरह बिल्कुल ओके था पहले भी। उसका फिर ऐसी गाड़ी की ट्राई ली, तो उसकी जो प्रॉब्लम थी, गाड़ी 40-50 से ऊपर नहीं जा रही थी, जो स्पीड नहीं बन रही थी गाड़ी की। डीजा डोजर रिपेयर करने के बाद उसकी जो है स्पीड बिल्कुल ओके हो गई। आप देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ी जो है 80-90 पे बिल्कुल आराम से जा रही है। कोई पिकअप का इशू नहीं है इसमें, कोई स्मोक का इशू नहीं है। तो जो पहले दिक्कत आ रही थी, यूरिया डोजर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो रिपेयर करने के बाद, उसको सेट करने के बाद जो है ये प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई। तो इसको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।